गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन राजस्थान की जो जीके थी उसमें अपन ने मीठे पानी की झीलें पढ़ी, खारे पानी की झीलें पढ़ी, और जो मेन झीलें हैं वो हो चुकी है। कुछ झीलें हैं जिनमें सिर्फ झील का नाम और डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी आपको लगेगा ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनको भी बना दूँगा, ठीक है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो नदियाँ स्टार्ट करनी थी, लेकिन किसी बच्चे की रिकमेंडेशन आई कि सर प्रजामंडल पहले करा दो, तो मैं आज आपको प्रजामंडल करा रहा हूँ। तो टॉपिक है आज का राजस्थान का प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल तो पहले तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि प्रजामंडलों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्रजामंडलों की ज़रूरत पड़ी थी नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष के लिए ये बनाए गए। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ थे राजा लोग। दोनों के बीच में जो प्रजा है वो पूरी तरह फंस चुकी थी, तो उनको क्या अपने अधिकारों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो जैसा इसका नाम है कि प्रजा, प्रजा ने अपने लिए क्या बनाया, मंडल बनाया, कुछ ग्रुप बनाए, कुछ संस्था बनाए, और उनके आधार पर जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रजामंडल। तो आप समझ सकते हो इसको कि अंग्रेजों व राजाओं की नीतियों में विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए ही इनका निर्माण हुआ था। यानी वो मिलके जो प्रजा को परेशान कर रहे थे उस चीज़ से निजात पाने के लिए। राजा अपने नियम लगा देते, अंग्रेज अपने नियम लगा देते, तो उन नीतियों का खंडन करने के लिए, उनकी नीतियों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए क्या किया गया, प्रजामंडलों का निर्माण किया गया। तो प्रजामंडल जो है वो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन की बस की बात है नहीं ये। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों को ज्ञानी नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी है। तो एग्ज़ाम में इसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो सिर्फ ध्यान रखना आप। पहला आता है इसमें संस्थापक। आपसे अक्सर ये पूछा जाएगा कि ये प्रजामंडल जो है, इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सन, यानी कि स्थापना स्थापना का सन। ये दो क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। स्पेशली मैं अधीनस्थ बोर्ड की बात करूँ तो जैसा कि आप देखते होंगे मेरे थंबनेल में अधीनस्थ बोर्ड की जो GSA की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ऑल ओवर राजस्थान में ST में सेकंड रैंक आई थी। तो अपने आप में अधीनस्थ बोर्ड जो है उसमें बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो है RPSC से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेवल रहता है। फिर भी यदि आप लोग चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अपन को सारी चीज़ें नहीं पढ़ के सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करना है जो एग्ज़ाम में आनी है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया कि एक तो पूछा जाता है संस्थापक और दूसरा पूछा जाता है स्थापना का सन। ये दो ही चीज़ें मैं आपके लेक्चर में डिस्कस करूँगा आज के में, और इनमें से ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादा आपको ज्ञानी बनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज्ञानी अपन को नहीं बनना, अपन को नौकरी चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, एक ट्रिक है, वैसे तो हर कोई टीचर इस ट्रिक को बताता है, मैं भी सामान्य ही हूँ, ऐसा हो नहीं कि अलग से कोई नई चीज़ बना दी। तो वो ट्रिक देख लीजिए आप, क्या है कि शहर बीकानेर में जैसमी
काकी ने शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी की बाबू दादी को बोलते हैं राजपूतों में बाबू को मार दिया। ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो संस्थापक आ जाएंगे, कुछ छूटेंगे उनकी भी मैं कोशिश करूँगा मैं कि आपको याद करवाने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिक पे, थोड़ा वर्क करते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, शहर को लेते हैं सबसे पहले। शहर में है सबसे पहले, शहर से शाहपुरा, कौन सा प्रजामंडल, शाहपुरा, और इसका संस्थापक शहर में रहसे रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े अपन। अब आगे कहाँ, बीकानेर। कहाँ पे आगे, बीकानेर। तो बीकानेर में है मेघाराम वैद्य। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़े अपन, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ आए कौन है, जैसलमेर। जैसलमेर में जैसे तो क्या बन गया, जैसलमेर, और मी से हो गया मीठालाल। मीठालाल व्यास। थोड़ा और आगे बढ़े तो आ गया काकी। काकी में क्या करना है आपको, ये ट्रिक में ऐसे रखा गया है, इसको ऐसे लेना है, उल्टा जो है वो देखना है आपको। तो क्या है, काकी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया था आपका जैस्मी से, जैस्मी में जैस से आ गया जैसलमेर, और मी से आ गया आपका मीठालाल। ठीक है, से आया था आपका शाहपुरा, और रे से आया था आपका रमेश। इनको थोड़ा लिंक कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं अपन काकी की। काकी में देखिए, पहले हम लेते हैं की से। की से हैं किशनगढ़। अब की हो गया तो का से कांतिलाल चौथानी, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद करते हैं, उसके बाद आते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, फिर आ गया ये। इसमें भी आपको ऐसे रिवर्स लेना है, देखिए कैसे। मामे, तो इसमें भी आप जैसे इसमें ऐसे रिवर्स लिया था ना, तो आपने की से तो क्या बनाया किशनगढ़, और का से क्या बनाया कांतिलाल। ऐसे इसमें मैं से बनाना आपको मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसका
एम से हो गया, मैं से हो गया माणिक्यलाल। माणिक्यलाल आगे बात समझ में। अब देखते हैं आगे आगे इसको पूरे को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, वापस किस पे आ गए, भोडू पे। तो भोडू से अपन को इसमें भी क्या चलना है, उल्टा चलना है। भोडू दिख तो रहा है, ये चेक कर लेता हूँ एक बार में। हाँ दिख रहा है, ये लास्ट दिख रहा है, फिर उसके बाद अपन लाइन चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भोडू में अपन को ऐसे उल्टा चलना है, तो डू से डूंगरपुर और भो से हो गया आपका भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, बागड़ के गांधी, बागड़ के गांधी। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग ध्यान रखना थोड़ा इसका, बागड़ के गांधी। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब भाभू को लेते हैं ठीक है। इससे बांसवाड़ा और इस संस्थापक कौन हो गया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। देख लीजिए आप लोग, शहर शाहपुरा रैसे रमेश चंदोजा, बीकानेर के मेगाराम वैद, जैसलमेर का मीठालाल व्यास जी, काकी में की पहले किशनगढ़ कासे कांतिलाल चौथानी, मामे में मेवाड़ पहले और माँ बाद में यानी माणिक्यलाल। आगे बढ़े भोडू पे आए यानी डूंगरपुर के कौन, भोगीलाल पांड्या, बागड़ के गांधी। फिर आगे बढ़े भाभू यानी बांसवाड़ा के भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। ये तो हो गई ये ट्रिक ठीक है। अब कुछ और बचे तो कुछ और देख लेते हैं। कुछ और कैसे बचे हैं देख लीजिए। अब बचे हैं कौन बचा है, अब ये तो है ना भाई, इसमें आ गया तो कौन बचा है, जब कब बचा है, जब कब बचा है, और जो बाकी है वो किस में है, बुक में है। किस में है, बुक में यानी किताब में है ठीक है। तो इनमें भी ये ट्रिक है, ये मैं अब आपको बोल नहीं रहा कि जब कब बचा है या कौन बचा है या बुक में है, ये ट्रिक है। कैसे हैं, कौन बचा है, कौन से अपन ले सकते हैं, कोटा, को से कोटा, ने से कोटा का कौन है, नैनूराम, कोटा का कौन है, नैनूराम। फिर है जब कब, तो जयपुर। अब जयपुर की क्या दो बार स्थापना हुई है, जयपुर क्या हुई है, दो बार हुई है। एक बार तो किसने की, कह, तो ये कौन थे, कपूरचंद पाटनी। और वैसे जमनालाल बजाज। तो जब कब बचा में, कौन बचा में, तो क्या गई, कोटा का नैनूराम, और जब कब बचा में, जयपुर के, एक बार तो कपूरचंद पाटनी और दोबारा जमनालाल बजाज। आगे बात समझ, इधर देते हैं बुक में क्या है आपके, जो बूंदी है उसका कांतिलाल, जो बूंदी है, बूंदी प्रजामंडल जो है उसके कांतिलाल। आगे बात समझ में, तो ये मैक्सिमम जो है इसमें क्या हो गए, कवर हो गए। अब अपन देखते हैं इनके सन ठीक है।
तो सन के लिए अपन को राजस्थान का नक्शा बनाना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे को आता नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थान का नक्शा थोड़ा ढंग-ढंग का बना दूँ ताकि आपके भी काम आ जाए। वैसे अपन को मैंने पहले ही बताया ज्ञानी तो बनना है नहीं, जैसा मेरे से बनना है वैसा मैं बना दूँगा भैया आपको। ये बन गया साहब, ठीक है। अब इसमें अपन सन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख दो आप 31, क्या लिख दो 31 लिख दो। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो 34, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो 36, और यहाँ लिख दो 45, और यहाँ लिख दो 46, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्थापना हुई थी 1931 में किसकी, जयपुर प्रजामंडल की। किसकी हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की। और सबसे लास्ट में हुई थी 1946 में किसकी, झालावाड़ की। किसकी, झालावाड़ की। और ये किसने की थी, मांगीलाल। किन्होंने की थी, मांगीलाल। ये ट्रिक में नहीं आया था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसकी हुई, जयपुर की। और सबसे अंत में, सबसे बाद में किसकी हुई, झालावाड़ के। तो पहला और आखिरी तो हो गया। अब 31 के बाद कहाँ आते हैं, 34 में आते हैं। 34 में किसकी हुई आपकी, मारवाड़ की। किसकी हुई, मारवाड़ की। मारवाड़ की, मारवाड़ की किसने की आपके, मारवाड़ की मारवाड़ का एक ही फेमस आदमी है मारवाड़ में, कौन है, जय नारायण व्यास। जय नारायण जी व्यास, इन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना की। अब 34 के बाद कहाँ चलते हैं, 36 पे चलते हैं। 36 पे आ जाइए, 36 के आगे आपका ये मारवाड़ आ गया। तो ये है आपका बीकानेर, ये आपका बीकानेर आ गया। बीकानेर किसने की थी, ट्रिक में बताया मैंने आपको, बीकानेर किसने की थी आपके, मीठालाल व्यास ने, सॉरी बीकानेर की, हाँ मेघाराम ने की थी। किसने की थी, मेघाराम ने जी ने, ठीक है। ये कब हुई, 1936 में, ठीक है। 45 है आपका जैसलमेर। 45 में किसकी हुई, ये कर दिया 1945, कब हुई, किसकी हुई, जैसलमेर की। जैसलमेर किसने की थी, मीठालाल ने, जैसमी काकी, तो मीठालाल ने की थी। अब एक छोटी सी चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ आइए, ये जो जगह है आपकी, यहाँ पर ये आपका है अलवर, उसके बाद है भरतपुर, उसके बाद है धौलपुर, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर करौली थोड़े सीक्वेंस के लिए, और फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर चिन्ह लगा के धौलपुर। तो ये देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। ये चारों जो है ए बी सी डी में आ रहे हैं, इनकी सबकी मिलाकर हुई है 1938 में स्थापना, ध्यान रहेगी बात। ए बी सी डी, अलवर भरतपुर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौल, डी से धौलपुर। ए बी सी डी याद हो गई, ए बी सी डी किस में, 1938 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके संस्थापक नहीं आए थे तो देख लीजिए। इसका है हरिमोहन, इसके हैं किशन जी, किशनलाल जोशी,
किशनलाल जोशी। इसके है त्रिवेदी साहब यानी त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद, और इसके हैं ज्वाला प्रसाद। देखो इसकी भी मैं कोशिश करता हूँ आपको याद कराने की। सबसे पहले कौन? हरि भगवान। भगवान का रूप क्या है? राम और कृष्ण, तो क्या आ गया? किशन। सबसे ऊपर भगवान हरि, हरि कौन? विष्णु जी। विष्णु जी का रूप क्या है? किशन जी। किशन जी कहाँ है? तीनों लोकों में। कहाँ पे है? तीनों लोकों में। भगवान का तो कहाँ है? तीनों लोकों में वास है। और फिर यदि ये नाराज़ हो जाए तो क्या है? ज्वाला, आग ही आग है। फिर तो प्रलय कुछ बचा ही नहीं, और प्रलय किससे हैं? आग से हैं। तो एक छोटा सा प्रयास आपको समझाने का कि ए बी सी डी 1938 में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, हरिमोहन, किशनलाल, त्रिलोक और ज्वाला प्रसाद। क्लियर है चीज़? आगे देखो मैं बताता हूँ थोड़ा और आपको। अब यहाँ आ जाइए आप लोग इस जगह पे। ये जो जगह है ये आपकी जो है ये हो गई 44, ये हो गई आपकी 44। और ये जगह कौन सी है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का कौन है आपको बताया था मैंने? डूंगरपुर की ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या थी? क्या थी ट्रिक बताई थी? क्या थी आपकी? भोडू। भोडू में क्या था? डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर का क्या है? भोगीलाल पांड्या है। और ये कब हुई थी? 1941 में। इससे अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर ये जगह आ गई आपकी, ये 43। ये कौन है भाई? बांसवाड़ा। ये कौन सी जगह आ गई? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा किसने की थी? भूपेंद्रनाथ ने की थी। अब इधर आ गए, इधर कौन सी जगह आ गई वापस? 45। ये कौन सी जगह है? प्रतापगढ़। ये कौन सी जगह है? प्रतापगढ़। आ गई क्या बात समझ में? प्रतापगढ़ की आ गई। प्रतापगढ़ जो है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 38 और यहाँ पर 39। 38 में कौन सी? उदयपुर। 38 में कौन? उदयपुर। और उदयपुर को हम क्या कहते हैं? मेवाड़। और इनकी किन्होंने की थी उदयपुर की? जयनारायण व्यास ने, बताता जैसे मैंने आप लोगों को, मारवाड़ की, उदयपुर की, उदयपुर की थी नारायण आपके, पहले ही आ चुका है उदयपुर का। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, जनार्दन व्यास तो मारवाड़ के हैं। ये 39 यानी ऊपर है तो ये आ गया आपका सिरोही। ये सिरोही, इसकी दो बार स्थापना हुई थी। पहली स्थापना उसकी बम्बई हुई थी, इसको थोड़ा याद रखना। तीन जगह है जिनकी दो बार हुई है। एक तो आपके सिरोही की हुई है, पहले बम्बई हो गई थी। एक आपकी बीकानेर जो है इसकी हो गई थी, इसकी हो गई थी आपकी कलकत्ता। और एक आपके जैसलमेर की हो गई थी जोधपुर, इसकी पहले हुई थी कहाँ? जोधपुर। तो तीन ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी दो दो बार स्थापना हुई है, ध्यान रखना। बात अलग, मतलब बाहर हुई है, जहाँ वो हैं वहाँ से दूसरी जगह हुई है। तो एक तो है आपका सिरोही जिसकी बम्बई हुई थी, एक है बीकानेर जिसकी कलकत्ता हुई थी, और एक जैसलमेर जिसकी जोधपुर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। उसके बाद सिरोही की किसने की? सिरोही की है गोकुल भाई। और ये कौन है गोकुल भाई? राजस्थान के गांधी। क्या बोलते हैं इनको? राजस्थान के गांधी, ठीक है। और जमनालाल बजाज को क्या बोलते हैं अपन? जमनालाल बजाज को बोलते हैं पांचवे पुत्र गांधी जी के। क्या बोलते हैं इनको? पांचवे पुत्र गांधी जी के। तो गोकुल भाई जो है, गोकुल भाई भट्ट जो है, ये आपके क्या है? गोकुल भाई भट्ट जो है राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं।
बोगीलाल पांड्या, बागड़ के गांधी, राजस्थान के गांधी, ये गांधी के पांच पुत्र जमनालाल बजाज। इन्होंने कहाँ स्थापना की, किसकी की थी, 1947 में सिरोही की थी, सिरोही प्रजामंडल की। उदयपुर मेवाड़, इससे संबंधित कौन है, नारायणी देवी, इससे संबंधित कौन है, नारायणी देवी, ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, नारायणी देवी वर्मा, ये भी कई बार आ चुकी है आपके एग्जाम, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए ये हो गए, उसके बाद एक है आपके बूंदी, कोटा, बूंदी की 1931 में, और एक है आपके हाडोती, ठीक है। तो इसकी कोटा की तो 1939, और इसको बोलते हैं 44, कभी कभी कह देते हैं 44, 34 कह देते हैं इसको, हाडोती को 39 और 44 में। पहले क्या था कि कोटा जो है ये हाडोती में था, फिर अलग से कोटा किया गया इसको। तो मेरे हिसाब से आपके लगभग सारे आ गए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम 31 की बात करते हैं, सबसे पहले जयपुर की स्थापना हुई, कपूरचंद पाटनी ने की थी सबसे पहले, उसके बाद दोबारा जो है वो की गई थी जमनालाल बजाज जी के द्वारा। 31 के बाद हम आते हैं 34 पे, मारवाड़ की जयनारायण व्यास जी के द्वारा। 34 से हम जाते हैं 36, 36 बीकानेर मेगाराम जी के द्वारा। फिर आते हैं हम 45 यानी जैसलमेर, जैसलमेर यानी जैसलमेर किसने की थी, मीठालाल जी ने की थी। अब पहला ये और आखिरी ये, 44, 43, 45, 44 में डूंगरपुर, 43 में बांसवाड़ा और 45 में प्रतापगढ़। उसके बाद इधर आ गए 38, 38 के बाद 39 ऊपर है, तो 38 जो है आपका उसमें उदयपुर मेवाड़, और 39 जो उसमें सिरोही, जिसकी दो बार हुई, एक बार तो बम्बई में हुई, इसके बाद सिरोही में हुई। मैंने आपको बताया तीन ऐसे प्रजामंडल है जिनकी दो बार स्थापना हुई है, एक हो गया आपके सिरोही, एक हो गया आपके जैसलमेर, और एक हो गया आपके बीकानेर। जैसलमेर जो है उसकी जोधपुर हो गई थी, बीकानेर जो है उसकी कलकत्ता हो गई थी, सिरोही की जो है गोकुल भाई भट्ट ने की थी, राजस्थान के गांधी। तो आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इजीली याद हो जाएगा, ए बी सी डी यानी अलवर के हरिमोहन, भरतपुर के किशनलाल, करौली के त्रिलोक और धौलपुर के ज्वाला प्रसाद। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा कि कभी कभी सन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि सारी बुकें जो है वो अलग अलग लिखती है। बाकी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो डेटा है वो किसी ऑथेंटिक बुक से लिए जाए, जैसे गवर्नमेंट की जो किताबें आती है बच्चों के स्कूलों में से चलती है, यदि सरकारी किताबों से अपन डेटा लेंगे तो फिर उसमें अपन अपना पक्ष रख सकते हैं। आ गई ये बात समझ में, धन्यवाद दोस्तों, आज अपन इतना ही पढ़ाएंगे। प्रजामंडल जो है मेरे हिसाब से डेट यानी सन और संस्थापक दोनों आपके कंप्लीट हो गए, इनसे ही क्वेश्चन आता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही बताया अपन को ज्ञानी नहीं बनना है, अपन को एग्ज़ाम पास करनी है। और मैं खुद आरएसबी में यानी कि राजस्थान बोर्ड अधीनस्थ जो है उसमें कई बार इनके क्वेश्चन जो है वो देख चुका हूँ। एक बार क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा था नारायण देवी वर्मा का, जेएसए के एग्ज़ाम में आया था ये। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके ये आ चुका है कि जयपुर की जो है स्थापना जो है वो किसने की थी, ये आ गया एक बार। एक बार जो है आपके ये आ चुका है कि आपके जो करौली है इसकी स्थापना जो है ये किसने की है। एक बार आपके ये आ चुका है कि राजस्थान के जो गांधी है उन्हें के किन को कहते हैं, तो वो है गोकुल भाई भट्ट। और एक बार आपके ये आ चुका है कि सिरोही जो है उसकी सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर, बम्बई में। ठीक है दोस्तों, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो और पढ़ाई करो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ही है आपको। वैसे तो मेरे को नदी पढ़ानी थी, पर जैसा मैंने आपको बताया किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्रजामंडल पढ़ाओ, तो चलो ठीक है, अपन को तो पढ़ाने तो सारी चीज़ें हैं, तो प्रजामंडल डाल दिया। बट यदि आपका ऐसा ही रेस्पॉन्स मिले और आप लोग आगे से आगे चैनल को बढ़ाते जाओगे, अपना ऐसे ही प्यार दोगे, तो मैं आगे इसको और आगे बढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा आगे करने की। वैसे तो टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि बेसिकली मैं जो है केमिस्ट्री डील करता हूँ, तो केमिस्ट्री की मेरी जैसे क्लासें चलती है, तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो वगैरह बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो उनके भी वीडियो बनते हैं।
फिर भी मैं टाइम निकाल कोशिश करता हूँ कि आपके लिए भी वीडियो डालूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।